नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाड़ी के पीछे जो वो डिक्की का स्पेस है उसे साफ करके कैसे, फिर जो स्टेप पिन है, जग है और दूसरा रिफ्लेक्टर और जो रेंच है कैसे असेंबली किया जाए, ये तो मैं आपके स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पे। अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं हमारे काम। पहले जो ये जग है उसे हाथ में से पकड़िए और इस जो है अगर एडजस्टमेंट से कर दीजिए। देखिए मैं कैसे एडजस्टमेंट से कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर दीजिए। इसे पूरा इसी तरह बना दीजिए और उसके बाद ये जो है ये वाला इसमें इसको लगाना है। वेरी इजीली है, लगा दीजिए। ये जो सिंबल दिख रहा है उसके अंदर आप फिट करना है, ना ज़्यादा अंदर ना ज़्यादा बाहर। फिर उसे बड़ा कर दीजिए, यानी उसे खोल दीजिए। देखिए थोड़ा टाइट हो गया तो नहीं चलेगा, मैं आपको इसी तरह से दिखाता हूँ। ऐसे तो समझ में आ जाएगा। वैसे ये जो थोड़ा सा टाइट कीजिए, ज़्यादा टाइट मत कीजिए, नहीं तो निकलेगा नहीं। फिर तो देखें ये जो ज़्यादा हिलेगा नहीं, अगर हिलेगा तो गाड़ी ड्राइव कर वक्त वो ये साउंड करेगा तो आपको दिक्कत होगा गाड़ी में इसे क्या हो गया। ऐसे दूसरी बार बात नहीं है, ये वाला सेटिंग करके रखना है, ये थोड़ा इसे टाइट करना है। उसके बाद टायर ले लीजिए, उसके बाद टायर ले लीजिए ऐसे पकड़ के ले लीजिए। ये जो होल है दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये उससे के हिसाब से इसे आराम से रख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल के ऊपर ये जग नट सिस्टम आता है, इसे लगा के उसे उसमें जो स्लो ही चले, अगर टायर में चल रहा है तो थोड़ा टायर को एडजस्ट कर लीजिए। अगर टायर को एडजस्ट नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती घुमा लिया तो उसका जो थ्रेड है वो टूट सकता है, उसका जो स्टेपिंग का नट है वो पूरी तरह खराब हो जाएगा। जब भी आप स्टेपिंग निकले तो पहले आप स्टेपिंग को निकालें, उसके बाद आपको जग को निकालना पड़ेगा। अगर पहले ये निकलेगा, निकल तो जाएगा लेकिन इसे अच्छा तरह से नहीं निकलेगा, थोड़ा तकलीफ होगा, ठीक है, थोड़ा तकलीफ हो सकता है, ये अच्छा तरह नहीं निकलना है। पहले इसे निकालो क्योंकि आपको तो स्टेपिंग चेंज करना है तो ये टायर तो ज़रूर लगवाएगा ना, तो इसे पहले निकाल दो, उसके बाद ये निकालो, ठीक है। और ये उसे भी हाथ में ही टाइट कर लो, उसमें कोई भी स्पैनिश या जो रेंची वगैरह है उस पर कोई भी यूज नहीं होता है, ठीक है, रख दिया। और उसके बाद ये जो है दोनों रेंची है और ये जो रिफ्लेक्टर है, इसे रिफ्लेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इसमें उसे साइड पर कहीं पे भी रख दो, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लेकिन लेकिन जो अच्छा है मतलब साउंड नहीं होगा, जो चिपक के रह जाएगा उसी के हिसाब रखें, अगर ये साउंड करेगा गाड़ी में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर रख देंगे तो ये गाड़ी का कोई भी साउंड नहीं करेगा। इसे इसे भी रख लीजिए, ये कोई भी साउंड नहीं करेगा, ध्यान रहे कि इसके वजह से गाड़ी के आपके साउंड ना आए, ठीक है। जब मैं पहले पहले ड्राइव करता था वो ये सारा इधर उधर पका देता फेंक देता था, इसलिए ये थोड़ा दिक्कत हो जाता था। वो देखिए इसके जो ये है अभी, ठीक है, ये थोड़ा ये एक बार इसे घुमा लीजिए, थोड़ा एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ तो उधर देख तकलीफ हो रहा है, उसे कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो है इसे यहाँ पे है ना चिपकना है और यहाँ पे चिपकना है, ठीक है। अभी देखो ये सारे ठीक हो गया, वो ये मेरा रबर निकल गया यहाँ से, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे चिपका देंगे यहीं पे ये निकलेगा, ठीक है, ये भी निकल देगा, ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है।
और ये कपड़ा निकालो यार। इसका जो मेन पार्ट है ट्रे, पार्सल ट्रे, ठीक है भैया। ये आ गया हमारा पार्सल ट्रे, ठीक है। पार्सल ट्रे में देने से पहले ध्यान दे थोड़ा, यहाँ पे ये हुक है और यहाँ पे ये हुक है, ठीक है। ये दोनों हुक है, पहले ये किसे क्या करेंगे, दोनों को अंदर घुसवा देंगे। और ये देखिए, ये पहला वाला हुक है, इसमें इसी तरह लगा देंगे, ठीक है। और ये दूसरा वाला है, इसमें लगा देंगे। और ये ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके अपने आप वो अंदर घुस जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम करेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से बैठ गया है। और ये जैसे ध्यान है, जो रबर है उसके नीचे के तरफ रहें, देखिए कोई कोई साउंड ना आए और अच्छा तरह फिटिंग आ जाए। देखिए वो जो ये बिल्कुल फिटिंग हो गया है, ठीक है। ये बराबर फिटिंग हो गया है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहता हूँ, बाय बाय।